अक्सर हम भिंडी बनाते हैं और भिंडी बहुत ही चिपचिपी बन जाती है, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल खिली खिली, कम तेल में बनी और कम मसाले में बनी हुई भिंडी की रेसिपी, जो आप देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में 2 चम्मच ऑयल लिया है और इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी मेथी दाने का इसमें तड़का लगाया। उसके बाद इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड की और इसको इसके साथ मिलाकर अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लिया। देखिए प्याज लगभग भून चुका है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें खड़ी लाल मिर्च डालेंगे। इसमें और ज़्यादा खड़े मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कम तेल में बनी हुई है और कम मसालों के साथ है, तो वैसे ही इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें कटी हुई भिंडी को ऐड करेंगे और इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बार मेरी तरह ट्राई करिएगा, आपकी भिंडी की सब्जी बिल्कुल श्योर है कि ऐसी ही खिली खिली बनेगी। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला, उसके बाद 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड किया और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, क्योंकि खड़ी लाल मिर्च पहले डाल दी है इसीलिए इसमें कम लाल मिर्च डाली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। दो से तीन मिनट के बाद हमने इसे खोल कर देखा है। देखिए इसमें रेशे बहुत कम हैं। अब हम इसे थोड़ा सा खुला ही भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक को अच्छी तरह से भिंडी के ऊपर पूरा स्प्रेड कर देना है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक डालने के बाद हम इसे हल्के हाथ से ही धीरे धीरे चला लेंगे और आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें एक भी रेशे नहीं है। हमने नमक डाल दिया, इसके बाद भी ये बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही है। इसको ऐसे ही 2-3 मिनट हमको और इसको भूनना है। अब आपको इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से भिंडी में मिक्स कर देंगे। अमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक देंगे और उसके बाद जब हम इसे खोल कर देखेंगे तो हमारी भिंडी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसमें मसाले और अमचूर सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इस पर कटी हुई धनिया डालेंगे और भिंडी अच्छी तरह से सर्व करने के लिए तैयार है।